हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए अपने जिगरी दोस्त के यहाँ। तो दोस्त कौन है? वो है ये। तो एक बात आपको मैं बता देता हूँ, जो आप मेरा डायलॉग सुनते हो, हे माँ शक्ति देना माँ, उसका क्रेडिट जो आ जाता है वो भाई को जाता है, क्योंकि भाई ने ही मेरे को ये चीज़ सिखाई थी, हे माँ शक्ति देना माँ। तो भाई हो जाए फिर एक बार, बिल्कुल। 1 2 3, हे माँ शक्ति दे नवा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमें आगे जाना कहाँ है घूमने के लिए। तो विनय भाई कहाँ जाए घूमने? यार शहर तो बहुत कुछ किया, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, दिल्ली चाइना बाहर चलते हैं, लेकिन इतनी छुट्टियाँ कहाँ कि एक बार में इतना घूम पाए। अब तो बताओ कहाँ चल सकते हैं जहाँ पे एक बार में सब हो जाए। कहाँ चलेगा? इस एक काम करते हैं, डिसाइड माँ को ही करने देते हैं, ठीक है ना? हो चुका है नाश्ता वगैरह, हमारा हो चुका है, बिल्कुल। 1 2 3, हे माँ शक्ति दे ना माँ। ये माता ने कहा आ तो गए, आए कहाँ? क्या माता ले गए, दिखाना पड़ेगा, देखते हैं जरा। ओ माय गॉड, तो ये है गाइस वेस्ट ऑफ वंडर। अभी लाइट में दिख नहीं रहा होगा, तो अभी लेनी है हमने टिकट यहाँ से। वीरे टिकट लेनी है, टिकट ऐसे नहीं जाने देना, टिकट लो पहले वहाँ पे। तो फाइनली इतने दिनों बाद आज एक ब्लॉग आने वाला है। टिकट नॉर्मल डे पे 50 रुपये और आज संडे वाले दिन 100 रुपये। चल वीरे टिकट ले, ले रहा है, ठीक हो गया। चलो भाई टिकट का खर्चा हमारा भाई उठा रहा है आज। माता जी टिकट, टिकट आ चुकी है हमारी, 2 पर्सन 200 रुपये। और यह है कुछ एंट्रेंस यहाँ की, देखा साथ में लेगा। फाइनली तो अंदर का माहौल कुछ ऐसा है, उससे ही सेटिंग मिल जाएगी आपको। यह है एंट्री, तो अब हमने एंट्री कर ली है यहाँ पर, और पेड़ बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर है दुनिया के 7 अजूबे, तो 7 अजूबे हम देखेंगे, बट कौन सा कहाँ पर है ये मेरे को नहीं पता, तो एक एक करके हम पहुँचते हैं। अभी तो यह है पिज़्ज़ा ऑफ पिरामिड जो इजिप्ट में पड़ता है। तो एकदम से हम कहाँ पहुँच गए? इजिप्ट में पहुँच गए। तो 7 अजूबे यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें से ये पहला है और 8वां हम दोनों की जोड़ी है। यह है टावर ऑफ पीसा जो कि इटली में पड़ता है। तो एकदम से दिल्ली से इटली सफ़र देख रहे हो तुम चुटकी में। हौले हौले दिन बढ़ते ने, हौले हौले जज्बात बढ़ते ने, तो हौली हौली असी सारे ही जाने सारे अजूबे वेखण आ गए हैं इतने। तो आ हैगा तीजा अजूबा, द आईफिल टावर। चलो फिर एक इसका पोज आता था नीचे से लेने का। तो लो जी आईफिल टावर के नीचे पहली बार है कुछ नीचे से व्यू, और इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे आ रखी है। वीरे कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ले आए कि तुम तो पाते नहीं हो, एक काम करो ऐसी जगह जाओ जा, सब जगह घूम लो। यहाँ पे बिजली के लिए सोलर पैनल लगा रखे हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे, और जो ग्रीनरी यहाँ पे दिखाई दे रही है देख ही रहे होगे आप लोग। तो गाइस यह है 4वां अजूबा कोलेसियम जो कि पड़ता है रोम इटली में। इसके अंदर मेरे ख्याल से जो बैल बुल लड़ाइयाँ करते थे वो है इसके अंदर, जो विधानसभा होती है हमारी वो पहले वहाँ की ऐसी थी जो कि टूट चुकी है। इसके चारों तरफ हम एक परिक्रमा करेंगे। चलें वीरा कैसे ठीक रहा तू?
हैं, काम हो गया। सही बता, मास्क नहीं पहना तूने, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। तो गाइस, यह है 5वां अजूबा जो कि अपने भारत देश में पड़ता है, ताजमहल। अब ये ताजमहल जो है धूप में रह रह के काला हो चुका है, मेरी तरह। जैसे मैं सर्दियों में गोरा हो जाता हूँ और गर्मियों में आते ही टैनिंग की वजह से काला, वैसे ही ये ताजमहल हमारी तरह काला हो चुका है। इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो गाइस, ये है जीजस, ये जगह पड़ती है, इनको कहते हैं रियो रिडीमर, जो कि पड़ता है ब्राज़ील में। वीरे ब्राज़ील तो ये सब जो बनाया गया है, जिस पार्ट से, ये सारे ऑटो पार्ट्स हैं, पार्क बेंच एंड पार्ट्स हैं। तो यहाँ की एक खासियत है जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो सबसे बनाया गया मशीनरी रिसाइकिल करके, स्प्रिंग एंड साइकिल चेंस। तो सोच सकते हो आप, इन सब चीज़ों से ये चीज़ बनाई गई है यहाँ पर। तो ये आपने हर जगह देखा होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक हाथ में मशाल, दूसरे में किताब। न्यूयॉर्क में ये जगह है और ये जिन चीज़ों से बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कितनी बेहतरीन कारीगरी की गई है यहाँ पे, टायर रिम, रिक्शे पार्ट, पार्क रेलिंग पार्ट जो यहाँ पे लगा रखे हैं, और ये पाइप एंड कार पार्ट, साइकिल चेंस। तो ये पास से तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि इसके पास में जाने के लिए मना कर रखा है, ये रेलिंग वगैरह लगा रखी है। तो अगर होता तो मैं आपको दिखाता, बाकी अगर यहाँ से आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हो। वो बीच में जो है वहाँ पे साइकिल की चेन है जो मेरे को दिखाई दे रही है, और ये सब कुछ, ये बेंच के जो पार्ट्स होते हैं वो नीचे लगा रखे हैं। सबने फ्रेंड तो देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, पर आज मैं आपको इसका बैक दिखाता हूँ, पीछे से कैसी दिखती है गैलरी। धूप की वजह से ये सामने से अच्छे से दिखाई नहीं दे रही क्योंकि जो फोकस है वो धूप का सीधा इसी पे पड़ रहा है। पर हमको एक और यूनिक सी चीज़ दिखाई दी है, ये बाघ भैया, ये ऊपर ऐसे टंगे हुए, पहले तो लगा असली है, बाद में लगा नहीं, सिर्फ इनका फेस और ये पूंछ ये लटका रखी है, इनकी बैग तो है ही नहीं। और ये देखें जिराफ, ये बरगद का पेड़ है, इस पर भी लाइटिंग कर रखी है। अभी हम नाइट में यहाँ पर रुकेंगे, एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि नाइट में इसका व्यू कैसा होता है। और चलते चलते हमें एक और चीज़ दिखाई दी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो मेरे को पता नहीं यहाँ पर क्या क्या है। ये देखिए, वाओ, ये है कुछ जगह जहाँ आके थोड़ी शांति मिली है। नेचर जो है ना अपना काम हर जगह करती है। कितनी प्यारी जगह, ये ब्रिज बना रखा है छोटा सा, और यहाँ पर ये तो जो 7 अजूबे थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं दिन में। अब शाम होगी यहाँ पे, रात के 7-8 बजे के टाइम पे जब यहाँ पे लाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक बार दोबारा मैं राउंड लगाऊंगा यहाँ का और दोबारा दिखाऊंगी ये रात में कितना अच्छा लगता है। जब आप घूम घूम के थक जाओगे तो ये है कैंटीन एरिया। क्या क्या है यहाँ पे अब जाके देखा जाए, चलें वीरे। यार हैं ताज़ा ताज़ा छोले भटूरे। तो गाइस, अभी हमने मंगाए हैं फ्रेंच फ्राइज, तो भाई लेके आया है। अब भाई बताएगा इसकी कहानी, कितने के पड़े ये? 147 इंक्लूडिंग टैक्स। टैक्स वो भी नकली बिल पे टैक्स बराबर था। अबे लड़ने 2 चम्मच देगा भी नहीं, जीएसटी और टोक देगा बाद। तो ये है एंट्री गेट। अब टाइम हो चुका है रात का,
लाइटिंग जल्दी है, मेरा फेस ठीक से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है, और मैं अपना व्लॉगिंग सेटअप भी लेके नहीं आया, तो कैमरे से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मोबाइल से करता तो आ जाता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रात में यहाँ का व्यू कैसा होता है। तो यह है पिज़्ज़ा का पिरामिड, रात में लाइटिंग जो है साइड से और अंदर लाइटिंग लगा रखी है, इसके ये चमक रहा है। तो अब हम करने वाले नॉन स्टॉप व्लॉगिंग, कहीं रुकना नहीं है क्योंकि टाइम हो चुका है 7:07 और अभी घर भी जाना हमको। ये विश्राम स्थल है, अंधेरा कायम रहे। तो ये है टावर ऑफ पिज़्ज़ा, रात के टाइम पे ऐसा कुछ चमकता है। ये असली में कैसा दिखता है ये तो नहीं पता, बट हाँ अगर असली में इस जगह पहुंचाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तब हम थोड़ा आगे पहुंचेंगे। और ये है आईफिल टावर, रात के समय दिन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है ये। अधिक एरिल हो यारो मैं कह। तो हम नीचे से दिखाते हैं कैसा दिखता है ये। जस्ट थिंक गाइस, अगर ये असली आईफिल टावर होता तब कितना अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ पर भी बढ़िया तो लग ही रहा है। आई होप आपको लाइट आ रही होगी फेस पे, कुछ उल्टी सी भी लाइटिंग है। यह है कोलोसियम रात के समय। गाइस लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी कर रखी है यहाँ पे। यह है इसका पूरा चक्कर, एक एक एरिया मैंने आपको दिखा दिया इसका। अब हम जाते हैं अगले वाले अजूबे के बाद। तो जी यह है ताजमहल रात के समय पे, ऊपर ऊपर की लाइटिंग है पर नीचे की लाइटिंग इसमें जल नहीं रही है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रही। और पब्लिक देख लो यार, क्राउड कितना सारा है। तो गाइस यह है रियो रिडीमर रात के टाइम पे, लाइटिंग यहाँ पे जैनुअन दिखाई दिया मेरे को, और मैं सामने से और बैक से दिखाता हूँ तो बाकी सब में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था कहीं नहीं दे रहा था। चलो जी। तो गाइस दिन में ये झरना देखा था, अब रात में ये लाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे लाइट आप देख पा रहे होंगे और ये सारी लाइटें ऑन हो गई हैं। इस तरफ कुछ ऐसा भी हो जाता है। तो फाइनली यह है सातवां और आखिरी अजूबा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। गाइस लास्ट अजूबा है हमारा द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो सुबह से हम यहाँ पे आ रखे हैं और घूम रहे हैं, यहाँ पर धूप में हो गए काले और ये तो सारे काले हो रखे हैं धूप में जल जल के। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, रब रखा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 12:00 बजे